सो दिस इज़ द स्कल ऑफ़ अ बफेलो बट ऑलमोस्ट डिजेंबर्स विद डैट ऑफ एन ऑक्स सो हम उसी के रेफरेंस में लेके इसको पढ़ते हैं तो मेनली हम इसमें दो टाइप्स की बोन्स के बारे में पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज़ क्रेनियल बोन्स एंड द सेकेंड वन फेशियल बोन्स तो आधा तो ये डैमेज है इसलिए थोड़ा बहुत हम इसमें देख सकते हैं बिकॉज पूरा विजुलाइज करने में टफ रहेगा क्योंकि ये काफ़ी डैमेज है तो हम थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर देख लेते हैं तो ये जो है हम सबसे मतलब बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो द फर्स्ट मेजर बोन इज द फ्रंटल बोन तो ये हमको दिख रही है फ्रंटल बोन विच इज़ पेयर्ड तो यहाँ से ये फ्यूचर्स दिख रहे हैं एंड ये एंड ये पूरी यहाँ तक पूरी फ्रंटल बोन है ठीक है तो फ्रंटल बोन में इसमें एक मेजर प्रोमिनेंस होता है यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड टोरस फ्रंटलिस तो ये टोरस फ्रंटलिस है जो कि क्रेनियल बोन फ्रंटल में प्रेजेंट है एंड दीज आर द फ्यूचर्स स्पेसिफिकली कॉल्ड द्यूचरा सिरेटा क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं सीरेशंस प्रजेंट होते हैं तो ये फ्यूचर्स हैं क्रेनियल बोन्स के ठीक हो गया अब फ्रंटल की हमने बात कर ली कि पेयर्ड बोन है अब सेकेंड थिंग इसमें हमने देखा कि टोरस फ्रंटेलिस है जो कि इसमें उतना प्रोमिनंट नहीं है ऑक्स के केस में मोर प्रोमिनट होता है तो यहाँ पर होता है टोरस फ्रंटेलिस मेजर प्रोमिनंस फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये है एक सुप्रा और बाइटल ग्रोव तो सुप्रा और बाइटल सुपरा मीन्स काइंड ऑफ ऊपर की साइड की हम बात कर रहे हैं और ऑरबाइटल मीन्स आई ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो सुप्रा और बाइटल ग्रोव यानी कि आई के ऑर्बिट के ऊपर में जो ग्रूफ प्रेजेंट है दैट इज़ द सुप्रा और बाइटल ग्रोव तो दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे सुप्रा और बाइटल ग्रूफ प्रजेंट है और इस साइड भी सुप्रा और बाइटल ग्रूफ प्रजेंट है इसमें होता है सुप्रा और बाइटल फोरामैन दिस वन इज़ द सुप्रा और बाइटल फोरामैन यहाँ पर भी सुपरा और बाइटल फोरामैन ये है आई औरबिट के ऊपर तो ये हो गई फ्रंटल बोन की बात एंड वन मोर थिंग ये जो है दिस वन इज़ द रोस्ट्रल एंड ऑफ द फ्रंटल बोन रोस्ट्रल मतलब टूअर्ड्स द नोज अगर नोज की हम बात करें तो रोस्ट्रल एंड ऑफ द फ्रंटल बोन यहाँ पर यह नेज़ल बोन के साथ जुड़ती है यहाँ पे सूचर्स के साथ ठीक है तो ये फ्रंटल थी एंड दिस वन इज़ द रोस्ट्रल एंडो फ्रंटल बोन तो ये थी फ्रंटल बोन जो हमने देख ली यहाँ से स्टार्ट होते हुए फिर ये इसके लेटर साइड में और पीछे यहाँ तक ये है फ्रंटल बोन सेम इधर साइड भी अब क्या है फ्रंटल बोन जो मीडियल मीडियल साइड में तो ये हार्ड होती है मतलब बोनी इसका जो नेचर है यहाँ पे हार्ड होती है लेकिन लेटरल साइड में ये पोरस होती है यहाँ पे हैं ये दो हैं जो ये कॉर्नोअल प्रोसेस इनको हम बोलते हैं तो फ्रंटल बोन लेटरल साइड में पोरस होने लगती है यहाँ पे देख सकते हैं बट बीच में ये एकदम हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आई ऑर्बिट की तो ये पूरी आई ऑर्बिट है बट आई ऑर्बिट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाई थ्री बोन्स देखा हमने जैसे कि फ्रंटल बोन का ये पार्ट ये आई ऑर्बिट का पार्ट है उसके बाद सेकंड पार्ट ये जो हमारी बोन है ये है लेक्राइमल बोन कहाँ से यहाँ से स्टार्ट होते हुए एंड ये फ्यूचर्स क्लियरली विजिबल हैं ये इतना पोर्शन दिस वन इज़ द लेकराइमल बोन तो ये भी आई ऑर्बिट में कंट्रीब्यूट कर रही है तो फिर जो आई ऑर्बिट है वो तीन बोन से मिल बनेगी द फर्स्ट वन इज़ फ्रंटल बोन ये फ्रंटल बोन का पार्ट है ये लेक्राइमल बोन का पार्ट है ये पूरा फ्रंटल आया फिर लेक्राइमल आया और नीचे ये है जाइगोमेटिक और मालार बोन तो जाइगोमैटिक बोन लेकराइमल बोन और फ्रंटल बोन ये तीनों बोन्स मिलकर हमारी बनाएंगी आई ऑर्बिट को तो ये बात थी आई ऑर्बिट की ठीक है आई ऑर्बिट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाई थ्री बोन्स फ्रंटल लेकराइमल एंड जयगोमेटिक और मैलर बोन अब लेक्राइमल बोन के इंटीरियर साइड में ही यानी कि आई ऑर्बिट के, के इंटीरियर साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक लेक्राइमल फोरामेन ये क्लियरली विजिबल नहीं है ये यह, यहाँ पे जो प्रेजेंट है दिस वन इज़ द लेकराइमल फोरामेन यहाँ पे रिसाइड करती है लेक्राइमल ग्लैंड तो ये हो गई हमारी लेक्राइमल बोन यहाँ प्रेजेंट है लेक्राइमल फोरामेन वहाँ जहाँ पर लेकराइमल ग्लैंड प्रेजेंट होती है दो बोन्स की हमने बात कर ली फ्रंटल लेक्राइमल अब हम बात करेंगे जाइगोमैटिक या मलर बोन तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जाइगोमेटिक बोन ये और ये ये इसकी प्रोसेस है ये इसकी मेन बॉडी है एंड दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन तो जाइगोमैटिक बोन में जो हमारी प्रोसेस है इसका नेमिंग हमने इसकी डायरेक्शन की वजह से किया है इस जो प्रोसेस का नेम है दिस वन इज़ द टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन हमारी जाइगोमेटिक बोन की बॉडी ये है और प्रोसेस ये है प्रोसेस इज टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन अब पीछे की बात करें तो दिस वन होल इज़ द टेम्पोरल बोन यहाँ से लेकर ये ये पूरी टेम्पोरल बोन है ये टेम्पोरल बोन की बॉडी है और ये प्रोसेस है तो अगेन प्रोसेस की डायरेक्शन कहाँ को जा रही है टूवर्ड्स जयगोमेटिक बोन तो इसलिए टेम्पोरल बोन की इस प्रोसेस को हम नाम देंगे जायगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड दिस वन पार्ट ऑफ जाइगोमेटिक बोन इज नोन एज टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जयगोमेटिक बोन तो इसमें कन्फ्यूजन ये नहीं करना है ये हमने नेमिंग डायरेक्शनस की वजह से दी है ये जो प्रोसेस है ये पार्ट जयगोमेटिक का है लेकिन इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स टेम्पोरल तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जयगोमेटिक बोन इन द सेम वे इस टेम्पोरल बोन की प्रोसेस को हम बोलेंगे जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की बट ये थोड़ा सा डैमेज है तो इसमें क्लियरली हमें कुछ भी विजिबल नहीं है बट यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है दिस वन इज द पेराइटल बोन इसी के बीच में यहाँ पे एक सिंगल बोन इंटर पेराइटल प्रजेंट होगी जो कि अनपेयर्ड है बाकी हमने देखी फ्रंटल लेक्राइमल बाकी सारी बोन्स पेयर्ड हैं बट थ्री बोन्स पहली इंटरपेराइटल, दूसरी फेनॉइड और तीसरी इथेमॉइड ये तीनों अनपेयर्ड होंगी तो इसमें पोस्टीरियर सरफेस हमें क्लियरली विजिबल नहीं है बट यहाँ पे पेराइटल और फिर नीचे साइड में ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होगी तो पेराइटल फिर बीच में यहाँ पे इंटर पेराइटल जो कि पेराइटल क्रेस्ट का पार्ट है और फिर नीचे ऑक्सीपिटल बोन तो ऑक्सीपिटल बोन के भी तीन पार्ट हैं हमारे लेटरल ऑक्सीपिटल सुपरा ऑक्सीपिटल जिसको कि हम स्क्वेयरमस ऑक्सीपिटल भी बोलते हैं और बेसिलर ऑक्सीपिटल तो वो इसमें विजिबल नहीं है तो हम आगे नेजल की तरफ मूव करते हैं अब ये दोनों आ गई नेजल बोन जो कि अगेन पेयर्ड बोन है सो नेजल इज अगेन अ वेरी लॉन्ग बोन एंड इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द नेज़ल कैविटी ये हमारी नेजल कैविटी है एंड जो नेजल बोन है ये दोनों पेयर्ड बोन दीज बोन्स फॉर्म द रूफ ऑफ द नेज़ल कैिटी और अंदर हमारे प्रजेंट होते हैं टर्बीनिट्स इसमें काफ़ी कुछ डैमेज है बट हाँ इसमें जो अंदर वेंट्रल साइड में प्रजेंट होता है उसमें टर्बीनिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जिनका रूफ फॉर्म कर रही है हमारी नेज़ल बोन अब हम बात करते हैं मैगजिला मैग्जिला इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फेशियल कैटी ठीक है तो मतलब फेशियल बोन्स में जो सबसे लार्जेस्ट बोन है वो मैग्जिला है यहाँ से एक्सटेंड करते हुए और ये वेंट्रल साइड में और यहाँ ये पूरी मैग्जिला बोन प्रेजेंट है तो मैग्जिला इज अगेन अ अगे पेयर्ड बोन एंड दिस इज द लार्जेस्ट बोन ठीक है बट अब मैगजिला में हमने देखा यहाँ पे प्रेजेंट होता है जैसे हमने ऊपर देखा कि सुप्रा और वाइटल फोरामैन प्रेजेंट था तो वैसे ही मैग्जिला के नीचे वाले साइड में प्रेजेंट होगा हमारा इंफ्रा और बाइटल फोरामैन सो दिस वन इज द इंफ्रा और बाइटल फोरामैन ऊपर प्रेजेंट था सुप्रा और वाइटल फोराम मैग्जिला में प्रेजेंट होता है फेशियल ट्यूबरोसिटी जो इसमें उतना प्रोमिनेंट नहीं है बट अगर हम ऑक्स का देखें प्रॉपर डेवलप्ड एडल्ट स्कल तो उसमें काफ़ी प्रोमिनेंट होगा एंड हॉर्स के केस में भी तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फेशियल क्रेस्ट एंड फेशियल ट्यूबरोसिटी तो ये होगी हमारी एंड मैगजिला बोन में ही प्रेजेंट होते हैं हमारे एल्वियलर सॉकेट्स तो जो हमने इंफ्रा और वाइटल फोराम देखा ये प्रेजेंट होता है ऑन द लेवल ऑफ फर्स्ट प्रीमोलर तो यहाँ पे हमारा इंफ्रा और फोरामेन है और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थर्ड के लेवल पे प्रेजेंट होता है हमारा फेशियल क्रेस्ट एंड फेशियल टिब्रोसिटी अब इसमें विंटर साइड में भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ डैमेज है बट यहाँ पे एक मेन जो हमारा फोरामेन मैगनम प्रेजेंट होता है अभी तो ये पूरा डैमेज है बट यहाँ पे फोराम मैग्नम प्रेजेंट होता है जो कि पूरे कैविटी का सबसे बड़ा फोरामैन है तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोराम मैग्नम एंड ये हमारी है टिम्पेनिक बुल्ला एंड इनके साइड में लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिट्री मेटस ये दोनों एक्सटर्नल ऑडिट्री मेटस एंड दीज टूर्थ द टिम्पेनिक बुल्ला अब ये है हमारा पैरामस्टोइड प्रोसेस दोनों साइड में एंड ये हमारी एक पतली सी शीट लाइक -like शेप में जो बोन प्रेजेंट है दिस वन इज़ द वोमर बोन ये वेंट्रल साइड ऑफ नेजल कैविटी के प्रेजेंट है दिस वन इज़ द वोमर बोन अब बात कर लेते हैं हम ये ये पूरी एक्सटेंशन ऑफ मैग्जिला है यहाँ तक ये फ्यूचर्स यहाँ तक जो ये प्रेजेंट है मैगजिला ही प्रेजेंट है एंड दिस वन इज़ द पैलेटाइन बोन ये है यहाँ से ऊपर को पैलेटाइन बोन प्रेजेंट है अब यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल है ये है हमारा फोराम ओवेल ये तो एकदम क्लियर ओवल शेप में है तो दिस वन इज़ द फोराम ओवेल दिस वन इज़ द फोराम ऑर्बिटो ओटनडम ये है फोराम ओवेल ये है फोराम ऑर्बिटो रोटेंडम ये है हमारा छोटा सा ऑप्टिक फोराम ये हमारा ऑप्टिक फोराम है तो ये तीनों एकदम लाइन में प्रेजेंट है फोराम ओवेल फोराम ऑर्बिटो ओटनडम नीचे वाला बीच वाला और ये हमारा ऑप्टिक फोरामेन सो so, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए फिलहाल वैसे तो बहुत कुछ है बट मोस्टली ये पेराइटल और ऑक्सीपिटल काफ़ी डैमेज है तो वो इसमें नहीं बताया जा सकता और कॉर्नोअल प्रोसेस हमने देख लिया था यहाँ पे हमारी सॉरी हॉर्नस अटैच होंगे एडल्ट स्टेज में अभी भी इसमें मतलब प्रोमिनेंट जो है कॉर्नल प्रोसेस है इधर था टोरस फ्रंटलिस ये पेयर्ड फ्रंटल बोन ये सुप्रा और ग्रूव जिसमें सुप्रा और बाइटल ये हमारा रोस्ट्रल साइड ऑफ फ्रंटल बोन विच अटैच अटैच विद द नेजल बोन तो ये दोनों पेयड अगेन नेज़ल बोन ये हमारी आ गई लेक्राइमल बोन यहाँ से यहाँ सूचर्स आई थिंक क्लियरली विजिबल हैं इसमें तो दिस वन इज द सॉरी लेक्राइमल बोन लेक्राइमल ये है नेजल और ये है लेक्राइमल बोन सॉरी फिर ये है जयगोमेटिक और मालर बोन ये इसकी प्रोसेस हो गई टेम्पोरल प्रोसेस एंड पीछे जो टेम्पोरल बोन है ये उसकी होगी साइगोमेटिक प्रोसेस तो ये था हमारा स्कल होप इट हेल्प्स थैंक यू